सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन में बटन को ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशनल पैलेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से आप इमो को जो है अपने लैपटॉप पर या पीसी पर भी चला सकते हैं। दोस्तों, पहले ऐसा था कि आप ये इमो जो है इसको सिर्फ मोबाइल पर चला सकते थे, लेकिन अब ये मुमकिन हो चुका है कि आप इमो को अपने लैपटॉप पर या पीसी पर चला सकते हैं। मगर कैसे, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल इंफॉर्मेशनल पैलेस को सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर दें और साथ में दबा दें बेल आइकन बटन को भी, ताकि इस तरह की लेटेस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है या आप जो भी ब्राउजर जो आप यूज कर रहे हैं उसको ओपन कर लेना है और जाके सिंपली सर्च बॉक्स में आपने लिखना है नॉक्स प्लेयर। नॉक्स प्लेयर लिखने के बाद आपने सिंपली देखना है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वाली जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद ये देखें कॉर्नर पे नॉक्स प्लेयर लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद डाउनलोड की ऑप्शन है, आपने डाउनलोड कर लेना है। चूंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो रहा है और डाउनलोड होने के बाद आपके सामने भी कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये देखें ब्राउजर लिखा हुआ है, टूल लिखा हुआ है, देन ऐप सेंटर लिखा हुआ है, आपने सिंपली ऐप सेंटर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये देखें मैंने ऐप सेंटर पर क्लिक किया तो मेरे सामने थोड़ी सी ब्राउजिंग के बाद ये वाली स्क्रीन शो हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये वाली तमाम ऐप्स जो कि मोबाइल में मौजूद होती हैं अब इस वक्त हमारे सामने भी मौजूद हैं, लैपटॉप में आ चुकी हैं। आपने सिंपली ये देखना है कि ये हमारे सामने ये तमाम फीचर्स मौजूद हैं। आपने ये कर्सर का निशान देख रहे हैं तो इमो फ्री वीडियो जो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का जो है आपके सामने ब्राउजिंग होगी और ब्राउजिंग होने के बाद बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा जैसा कि हमारे मोबाइल में होता है। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन की ऑप्शन, इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये ब्राउजिंग नहीं हो रही। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद जैसे ही व्हाट्सएप में इंस्टॉल की ऑप्शन आती है, आपके पास इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी, आपने इसे इंस्टॉल कर देना है तो इमो आपके लैपटॉप में आ जाएगी। तो दोस्तों, ये था एक तरीका। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, वो भी बहुत आसान है। तो दूसरे तरीके में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इमो को जो है अपने लैपटॉप या पीसी में कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपने गूगल ब्राउजर को सेम प्रोसेस से दोबारा ओपन कर लेना है। ये देखिए मैंने ओपन कर लिया है, आपने सिंपली गूगल में जाना है और सर्च बॉक्स में लिख देना है ब्लू स्टैक्स। ब्लू स्टैक्स लिखने के बाद आपने इसको सर्च मारना है और सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की ऑप्शन शो होंगी। तो आपने पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने किया तो ब्लू स्टैक्स लिखा हुआ आ रहा है, सर्च बॉक्स में आ रहा है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, आपने डाउनलोड ब्लू स्टैक्स पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टॉल कर होने के बाद कुछ इंटरफेस इस तरह का होगा, आपने इसको ओपन कर लेना है क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो ये आप कॉर्नर पे देख रहे हैं गूगल प्ले स्टोर की ऑप्शन आपको नजर आ रही होगी, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ये देखें ओपन करने के बाद मेरे सामने ये वाली चीजें जो हैं शो हो रही हैं, तो आपको भी यही वाली ऐप्स जो कि मोबाइल में मौजूद होती हैं वो भी शो होंगी। तो ये देखिए इमो की ऑप्शन आ रही है, आप अगर चाहें तो इधर से सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है ऑलरेडी जो उसमें पड़ी हुई हैं आप उधर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सिंपली जो है इमो पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक करना है तो ये आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे दो तरीके, बहुत आसान तरीके हैं, इनके जरिए से आप अपने लैपटॉप या पीसी में जो है इमो को इंस्टॉल कर सकते हैं जैसा कि आप मोबाइल में करते हैं और इस तरह से आप किसी से भी बात कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आपने चैनल इंफॉर्मेशनल पैलेस को सब्सक्राइब करना है और साथ में दबाना है बेल आइकन वाले बटन को भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।